गठबंधन में लगातार किचकिच के बाद आखिरकार सीट बंटवारे का ऐलान हो गया। इसमें कांग्रेस को मुंह मांगी यानी 70 सीटें भी मिल गई। बोनस में वाल्मीकि नगर की लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने की मंजूरी भी। जी हां, आपको बता दें, यहां सवाल ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। जी हां, कि इसके पीछे आखिर ऐसा क्या राज है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे का ये फॉर्मूला लालू ने रांची के केली बंगले से तय किया। लालू ने कांग्रेस की मांग मान ली और बिहार में लड़ने के लिए 70 सीटें भी दे दी। साथ ही ये भी तय कर दिया कि आरजेडी अपने कोटे की 144 में से वीआईपी और जेएमएम की सीटें देगी। हालांकि बीच कॉन्फ्रेंस में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी बॉयकॉट कर गए, लेकिन ये अंदाज़ा भी लालू को पहले से ही था, इसलिए उन्होंने सबसे बड़े सहयोगी यानी कांग्रेस की मांग का ख्याल रखा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को ये सीटें यूं ही नहीं मिल गई। इसके लिए कांग्रेस अलाकमान को लालू की एक बड़ी शर्त माननी पड़ी। जी हाँ, इसे ऐसे समझिए कि महागठबंधन में शुरू से ही तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर ऐतराज जताया जा रहा था। कांग्रेस से शक्ति सिंह गोहिल ने 2 दिन पहले ही तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए थे। गोहिल ने कहा था कि 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था। उसका परिणाम सभी लोगों के सामने है। अगर वो होते तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। गोहिल ने यह भी कहा था कि बदकिस्मती से आज लालू यादव जेल में हैं। आपको बता दें, बिहार कांग्रेस प्रभारी ने यह भी कहा कि तेजस्वी युवा चेहरा है, वहीं जो कम अनुभवी लोग होते हैं उन्हें लोग गुमराह भी करते हैं। कांग्रेस के इस बयान के बाद से तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया था। लालू अपनी विरासत तेजस्वी को दे चुके हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उनके वारिस तेजस्वी को महागठबंधन के बाकी दल भी नेता माने। बेटे को महागठबंधन का नेता बनाने के लिए लालू ने ऐसी चाल चली कि इस पूरी सियासी फिल्म का क्लाइमैक्स एक बार फिर सेट हो गया। सूत्रों के मुताबिक लालू ने कांग्रेस अलाकमान को साफ कहा कि महागठबंधन में उन्हें उनकी मुंह मांगी सीट मिलेगी, बोनस में एक लोकसभा सीट भी। जी हां, लेकिन इसके लिए उन्हें तेजस्वी का नेतृत्व मंजूर करना होगा। लालू वैसे भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं। जाहिर है कि कांग्रेस को इस प्रस्ताव से कोई गुरेज नहीं हुआ। बिहार कांग्रेस ने तेजस्वी को नेता मानते हुए अपने मन मुताबिक सीट लेकर महागठबंधन में चल रहे झंझट का पटाक्षेप कर दिया। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।